सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सोनीपत में तीन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। तो करेवड़ी गांव के पास एक स्विफ्ट इको कार और बाइक के आपस में टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई और 9 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों को फिलहाल गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तीन वाहनों की आपस में टक्कर के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है। तो तीन वाहनों की आपस में टक्कर हुई, हालांकि हादसे के पीछे वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये घायलों को अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि इस हादसे में एक की मौत हुई है, तो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो गंभीर रूप से घायल लोगों को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर जो जांच है वो यहां पर जारी है। तो सोनीपत से ये आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर ये तीन वाहनों की आपस में टक्कर हुई, जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस हादसे में किस तरह से जो तीनों वाहन है वो एक दूसरे से टकराते हुए क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर जो जांच पड़ताल है वो यहां पर जारी है। तो इस हादसे में एक की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को ले जाते वक्त अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो 9 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, लेकिन हाल ही हादसे के पीछे क्या कुछ वजह यहां पर रही है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किसकी गलती के चलते ये हादसा हुआ है। तीन वाहन आपस में टकराए हैं। तो आपको बता दें कि दर्दनाक हादसे में एक की मौत हुई है, जिसकी शिनाख्त यहां पर की जा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।